अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ तो बहुत बड़ी और अहम अपडेट लेके। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत में रहते हैं और वहाँ के वाकयात से बाखबर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुवैत अंतरिक्ष मंत्रालय ने एक योजना बना रही है जिसका मकसद है प्रवासियों के लिए यानी कि गैर मुल्कियों के लिए आईडी कार्ड को रद्द करना है और इसे सिर्फ कुवैती नागरिकों तक ही देश में सीमित रखना है। यानी कि जो वहाँ पे गैर मुल्क के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के लोग वहाँ रहते हैं, उनके लिए ये आईडी कार्ड रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें कि रेजिडेंसी मामलों का उद्देश्य कुवैत में प्रवासियों यानी गैर मुल्कियों के लिए एक विशेष चुंबकीय कार्ड यानी कि एक वहाँ कार्ड मिलेगा जारी करना है, जिसमें उनमें सभी डेटा शामिल होंगे और या वर्तमान में जो सिविल आईडी कार्ड का उपयोग हो रहा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अंतरिक्त मामलों में मंत्रालय रेजिडेंसी वीज़ा के स्टैंड के लिए वीज़ा प्रदान करना है। इसके लिए खास ध्यान किया गया है कि क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो अपने निवासियों यानी कि वहाँ के रहने वालों को ऐसे कार्ड जारी करते हैं जिन्हें निवासी कार्ड कहा जाता है, जिसमें सभी डेटा शामिल होते हैं। पहला कदम सिविल आईडी कार्ड को केवल कुवैत नागरिकों तक ही सीमित करना है। इससे सार्वजनिक सूचना कार्यालय में नागरिक सूचना कार्यालय में भी भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। चलिए चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। कुवैत में रेजिडेंस वीज़ा का उल्लंघन करने वालों को अपने स्टेटस को सुधारने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है, मगर अब तक कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने संशोधन करने के लिए आवेदन किया है। बाकियों ने इससे हल्के में लेकर पस निर्धारित किए गए हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। 31 जनवरी अब जल्द ही समाप्त हो जाएगी और इसके बाद इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि रेजिडेंसी वीज़ा के उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए 31 जनवरी के बाद एक बड़ा सुरक्षित अभियान शुरू होने वाला है, जो अलग अलग सुरक्षा क्षेत्रों यानी अलग अलग इलाकों में किया जाएगा। उन्होंने समय सीमा का लाभ नहीं लिया और वीज़ा में संशोधन नहीं करवाया, जबकि स्टेटस में संशोधन करने के लिए प्रवासी यानी कि गैर मुल्कियों के लिए लगातार 2 महीने तक तारीख को बढ़ाया गया। अब उन पर गाज गिरने वाली है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जिन गैर मुल्कियों लोगों ने, जो मेरे भाई लोगों ने नहीं करवाया है, वो जल्द से जल्द इसको करवा ले ताकि उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं और किसी न्यू अपडेट में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।